थैंक यू सो मच सर, आप आज के इस महत्वपूर्ण दिन को इतने अच्छे से बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से और सभी की ओर से। सबसे पहले मैं सभी टीचर्स को गुड मॉर्निंग सुप्रभात कहना चाहूंगी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप सभी को भी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी ग्लोरियस गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। थैंक यू। मैं बस आप लोग को आज का ये दिन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं। वैसे तो इसके बारे में पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सर ने आपको बताया, बहुत सारी जानकारी आपको बताई है ना, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी अभी भी डाउट है, थोड़ी चीजें मैं और बता देती हूँ। आज कौन सा दिन है? दिन डेट क्या है? 26 नवंबर। क्या है इसे हम कौन से दिन के रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस ये 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था, पर ये लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान के बारे में भी सोमेन सर ने बहुत कुछ बताया। इसका वजन कितना है इसके बुक का? 3.75 kg, एम राइट है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें संविधान में आपके जीवन की सारी चीजें लिखी हुई है। और संविधान ना केवल एक किताब है, ये हमारे जीवन को चलाने का अभी के नियम कानून सभी चीजों से भरा हुआ है। कैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे देश में चलने वाले अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए, क्या कैसे, सारी चीजों का इसमें समाहत है, ठीक है, सब चीज है इसमें। और खासकर आज संविधान दिवस पर मैं सभी महिलाओं को, फीमेल्स को कहना चाहूंगी कि वो एक बार आज के दिन को नमन जरूर कर लें, क्योंकि और डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर को नमन जरूर कर लें, क्योंकि उन्होंने ही हमें शिक्षा का अधिकार बताया, समानता का अधिकार बताया, जिसके तहत आज हम सब इस कैंपस में खड़े हैं। ना केवल आप, मैं खुद इस स्टेज में आने की इतना बोल पा रही हूँ शायद उनकी ही बदौलत है। अगर उन्होंने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया होता, हम नारियों को बाहर निकलने, पढ़ने, लिखने, समानता का अधिकार ना दिया होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। कहीं किसी रूम में, किसी कॉर्नर में बैठ के चूल्हा जला रहे होते। चूल्हा तो आज भी जलाना है, वो घर का काम है, गृहिणी है, गर्व से कहते हैं हम। लेकिन गृहिणी के अलावा, ना केवल रूम में रहने के अलावा, हम बाहर निकल के पुरुषों से, जैन से कंधा मिलाकर चलने के हमें उन्होंने आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो उनके लिए, उनकी इस महानता के लिए मेरा सत सत प्रणाम है। दो लाइन मैंने लिखी है उनके ऊपर। संविधान ना केवल दस्तावेज, संविधान ना केवल वकीलों का दस्तावेज है, कानूनों से भरा हुआ यह पेज है, कानूनों से भरा हुआ यह पेज है। जितना महत्वपूर्ण गीता बाइबल कुरान है, उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा संविधान है, इसमें संसार समाता है, यह हमें समता सम्मान की बात बतलाता है, ना होने देना कभी इसका पतन। सच सच करती हूँ मैं ऐसे शिल्पकार डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन, तो मैं एक बार
बाबा भीमराव अंबेडकर जी को की जय जयकार कराना चाहती हूँ, तो मेरे साथ सब कहेंगे जय भीम जय भारत, जय भीम जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। अभी भी सबके मुंह से नहीं निकल रहा है, प्लीज एक बार जोर से बोलिए जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। एक और लाइन उनके लिए, बस ज्यादा समय नहीं लूंगी आज के इस महान दिवस पे, मैं बस एक लाइन। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, सारे जगत में अमर रहेगा बाबा तेरी कहानी, सारे जगत में अमर रहेगा बाबा तेरी कहानी। धन्यवाद। जय भीम जय भारत।